प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए 11 से 14 अप्रैल तक तीखा उत्सव मनाने की अपील की। आइए देखते हैं क्या कहा। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का, एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। फिक्र की बात यह है कि अब देश के अधिकतर राज्यों से वैक्सीन की कमी की रिपोर्ट आने लगी है और राज्य सरकारें फिक्र जताने लगी हैं कि बिना वैक्सीन के लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से मीटिंग में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से पिछले साल की लड़ाई हमने बिना वैक्सीन के जीती थी और इस बार भी कोरोना विजय के लिए वैक्सीन नहीं बल्कि 3T (TTT) के मंत्र को फॉलो करना होगा, टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन वैक्सीन को लेकर देश में हालात क्या हैं, यह आप जरूर देखें। हिंदुस्तान, जिसने कोविड वैक्सीन की करोड़ों डोज दूसरे देशों को दान कर दी, क्या वहां खुद वैक्सीन की कमी पड़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बन चुके महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य में हर हफ्ते 40 लाख डोज की जरूरत है। अभी सिर्फ 14 लाख डोज का स्टॉक बचा है जो 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। सातारा, सांगली, मुंबई, बुलढाणा सभी जगह पे बहुत कम स्टॉक है, करीबन खत्म हुआ है। जितने भी सेंटर्स है वहां पर सेंटर्स में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन मैं एक जरूर बोल रहा हूँ कि वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार की शिकायतों और आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे, वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है, इसके बावजूद लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीन के मुद्दे पर आड़े हाथों लिए। मैं साफ करना चाहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र में आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कब नहीं होते, 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी स्थिति है। साफ है, कोरोना से लड़ते लड़ते महाराष्ट्र जैसे राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन पर आपस में लड़ने लगी, लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, कई और राज्यों में भी वैक्सीन शॉर्टेज की बात सामने आ रही। महाराष्ट्र के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आ रही। कोरोना काल में वैक्सीन की किल्लत की बातें सामने आने पर TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले महाराष्ट्र से ही पड़ताल शुरू की। हमारी टीम मुंबई से सटे पनवेल पहुंची, जहां वैक्सीन खत्म होने की खबर आई थी। परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी 11 राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों के साथ, मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो, हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। मृत्यु बढ़ी है, ये बड़ी चिंता की बात है, ये सही है। ये कहना कि कोरोना की यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये एकदम असत्य कथन है। कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10 लाख अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। वैक्सीनेशन के लिए तो कम से कम 83 लाख लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज चाहिए। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5, इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। सिर्फ वैक्सीन नहीं होने का बोर्ड ही नहीं, बल्कि वो लोग भी मिले जो वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से बेरंग वापस लौट रहे थे।
महाराष्ट्र में कोरोना की गति बढ़ते जा रही है, इसी के साथ साथ राज्य सरकार ने टीकाकरण की गति को भी बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन अब लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। क्यों? इसके लिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के पनवेल इलाके की, और ये कामोठे इलाका है जहां पर मराठी में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर यह संदेश लिखा हुआ है कि पुढ़ी लस उपलब्ध होईल पर्यंत लसीकरण बंद है, यानी कि वैक्सीन की जो अगली खेप है उसके आने तक यहाँ पर अब वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। आप दूसरी डोज के लिए यहाँ पर आए थे, हाँ। और आज ही का दिन था आपका, हाँ। लेकिन आपको वैक्सीन नहीं दी गई। नहीं दी गई। क्या कहा गया कि वैक्सीन नहीं है यहाँ पर? नहीं करके बोल रहा है। इनका फर्स्ट वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। हम एक्चुअली 2-3 बार आ चुके हैं, अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ जो सर्वसामान्य लोग हैं उनका वो यहाँ वैक्सीन के लिए लाइन लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। वैक्सीन की सप्लाई में प्रॉब्लम की खबरें और लोगों की परेशानी की बात उत्तर प्रदेश में भी सामने आ रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा अस्पताल में वैक्सीन नहीं होने का नोटिस लगा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में भी वैक्सीन की सप्लाई में देरी से वैक्सीनेशन पर असर पड़ रहा है। अभी हम लोग भी कल सीएम ऑफिस गए थे तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा शॉर्टेज है वैक्सीन की, ये है तो आज हमने थोड़ा सा अभी आज वो काम हुआ बंद किया हुआ है आज के लिए। बंद करने की वजह क्योंकि पीछे से नहीं आ रहा? हाँ, पीछे से बहुत कम आ रहे हैं। इसलिए क्या होता है, वो लोगों के फोन आते रहते हैं तो हमें भी जवाब देना पड़ता है क्या है क्या चीज नहीं है। यही एक और वैक्सीन की कमी साफ साफ दिखाई दे रही, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार कमी की बातों को सिरे से नकार रही। आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों है, इसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्लियर करने की कोशिश की। कहीं भी 3-4 दिन का स्टॉक कम हमेशा रहता ही है और उतना पाइपलाइन में रहता है, वो और आता रहता है। जितने आप वैक्सीनेशन करोगे उससे ज्यादा स्टॉक सरकार देती रहती है। मालिया की दलील सही, लेकिन इस वक्त इससे ज्यादा अहम बात ये कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, सभी को सियासत छोड़कर समझदारी की डोज लेनी चाहिए ताकि वैक्सीन की डोज वक्त पर लगाई जा सके और कोरोना को हराया जा सके। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।